छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज एक नक्सली हमला हुआ। अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और दूरदर्शन की टीम पर हमला किया, जिसमें दूरदर्शन के कैमरामैन की मौत हो गई और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। गृहमंत्री समेत कई मंत्रियों ने हमले की निंदा की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दूरदर्शन के कैमरामैन के परिवार को 15 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है। पेड़ों पर गोलियों के निशान, ग्रेनेड के खोल और धमकी भरे पोस्टर, ये तस्वीरें हैं दंतेवाड़ा में नीलावाया के जंगलों में सीआरपीएफ और दूरदर्शन की टीम पर घात लगाकर किए गए नक्सली हमले की। हमला मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब दूरदर्शन की टीम सुरक्षा बलों के साथ जंगल के भीतर एक गाँव में कवरेज के लिए जा रही थी। अचानक बड़ी संख्या में आए नक्सलियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 45 मिनट तक हमने उस मंजर को देखा जिसमें हमारे सर के ऊपर से लगभग 50 राउंड गोली, ग्रेनेड, आसपास 10 फीट की दूरी पर बम, ये सब फूटे। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का जमकर मुकाबला किया। मुठभेड़ में एसआई रुद्र प्रताप और कांस्टेबल मंगलू शहीद हो गए। इस हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहूब की भी जान चली गई, जबकि 2 कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। करीब 250 से 300 नक्सली थे, सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी यहाँ आने वाली थी, तो एक बहुत बड़ी घटना जैसे कि बुड़कापाल हुआ था वैसा रिपीट करने की कोशिश थी, लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने लड़के हमने 2 शहादत भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत बड़ी घटना को होने से हमने रोक दिया है। अरनपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और नक्सलियों की तलाश जारी है। दुर्भाग्य से जो कैमरामैन थे वो पहले वहां आगे पहुंच गए और उसके कारण वो फायरिंग की चपेट में आ गए और फिर सुरक्षा बलों ने जो भी जवाबी कार्रवाई की उससे ज़रूर माओवादी भाग गए, लेकिन 2 लोगों को नुकसान, जो हमारे पुलिसकर्मी और एक मीडियाकर्मी की इसमें मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई मंत्रियों ने इस हमले की निंदा की है। जो कैमरामैन है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उनके उसमें जान गई है, उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। जवानों का शहीद होना, दूरदर्शन के कैमरामैन को भी वहाँ पर उसके भी वहाँ पे जान गई है, ये बहुत दुखद भी है। ये चुनाव प्रक्रिया को डिस्टर्ब करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ये नक्सली सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय फैलाना चाहते हैं। वो चाहे पेपर प्रेस के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राज्य में नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी का असर नहीं दिख रहा है, जिसके चलते बौखलाहट में वो अब सुरक्षा बलों के साथ पत्रकारों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।